डियर कस्टमर, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ऑन टाइम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ साथ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको ऑन टाइम सॉफ्टवेयर और एसक्यूएल सर्वर की सेटअप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये दो सेटअप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से इसे आप डाउनलोड करोगे। सिंपली आपको ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है ONTimeEmployeeManager.com, ठीक है। डाउनलोड ऑप्शन में जाना है, डाउनलोड पे आपको ये सेकंड ऑप्शन मिलेगा ONTime Attendance रिलीज वर्जन। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ONTime की जितनी भी रिलीज वर्जन है सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है। ये ONTime Attendance 3.3.17 हमारा लेटेस्ट है। इसमें दो सॉफ्टवेयर है, 32 और 64। इसमें ये रिलीज इन्फो भी है, इसे डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कब रिलीज हुआ ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अभी मेरा पीसी 64 बिट का है, तो मैंने 64 बिट का डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करने के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है ONTime प्रे रिक्वेस्ट फाइल, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एसक्यूएल की दो वर्जन मिलेगी आपको, 2005 और 2008, ठीक है। अभी मैंने 2005 डाउनलोड किया है 64 बिट का। तो अब चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले सेटअप को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड हियर पे क्लिक करोगे, ये ONTime का सेटअप एक्सटेंड हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करोगे आप, इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्री नेक्स्ट। यहाँ से आप ब्राउज करके फाइल का पाथ देख सकते हो कि कहाँ पर आपका सेटअप इंस्टॉल हो, ठीक है। अभी हम डिफॉल्ट छोड़ते हैं, डिफॉल्ट सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल ONTime, ठीक है। यहाँ पे आप यूजर सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ ये एवरी यूजर से चलिए, जैसे आपके पीसी में जो लॉगिन है, ये अभी माई अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ माई अकाउंट पे चलिए या इस पीसी पे जितने भी लॉगिन हैं सबसे चलिए। अगर सबसे चलाना है तो आपको एवरी वन करना है, अगर सिर्फ इस यूजर पे चलाना है तो जस्ट मी करना है, ठीक है। तो अभी हम एवरी वन सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे, राइट क्लिक एक्सटेंड हियर, इसका सेटअप एक्सटेंड हो गया, राइट क्लिक अगेन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एक्सेप्ट करोगे आप, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके क्लाइंट कंपोनेंट पे क्लिक करोगे, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट।
ये इंटेंस ना नेम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन टाइम डाल देते हैं, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा। जब आप ऑन टाइम कॉन्फ़िगर करोगे वहाँ पे आपको ये डालनी पड़ेगी। हमने इंटेंस नेम यस सॉरी ऑन टाइम डाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमेशा मिक्स मोड में सेलेक्ट करना है और आपको पासवर्ड याद रखना है। जैसे अभी मैं ट्रिपल एस डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये पासवर्ड हमेशा आपको याद रखना है। जब आप ऑन टाइम कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पे इस पासवर्ड को डालना पड़ेगा। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। नेक्स्ट फिनिश। अभी हमने दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑन टाइम कैसे कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑन टाइम का सेटअप ओपन करोगे, ऐसी पेज आएगी आपके सामने, ठीक है। ऐसा विंडो ओपन हो गया आएगा। यहाँ पे आपको एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंस्टेंस नेम डालना है जो हमने इंस्टॉल करते समय डाला था। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे नोट कर लेना, ऑन टाइम हमने डाला था, ये हमने यहाँ पे डाल दिया ऑन टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे सर्वर नेम पूछ रहा है, तो सर्वर नेम इज़ आपके कंप्यूटर का नेम। तो कंप्यूटर नेम कैसे निकालेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, चेंज सेटिंग, चेंज, और ये आ रहा है आपका कंप्यूटर नेम। इसे हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आओगे ऑन टाइम, राइट क्लिक, पेस्ट। किसी भी एसक्यूएल का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम होता है SA, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड हमने एसक्यूएल इंस्टॉल करते समय डाला था, SSS, SSS, टेस्ट कनेक्शन, ओके, अप्लाई, यस, ओके। ये सक्सेसफुली अप्लाई होगा, आपका डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो गया एसक्यूएल में। अभी यहाँ पे आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना है, एग्जिट करना है। सारी चीज़ें मिनिमाइज कर दी हमने, अगेन राइट क्लिक, ओपन। यहाँ पे आपको यूजर नेम एडमिन डालना, पासवर्ड भी एडमिन बट ये कैपिटल होगा। ये आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, आप इसे यूज कर सकते हो। जो ऑन टाइम सॉफ्टवेयर का यूजर नेम होता है एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन होता है बट ए कैपिटल होता है, कैपिटल ए देन स्मॉल DMIN।